वो वाली गाड़ी है भाई, भाई ने कुछ काम ही ऐसा कर दिया है भाई, पूछो मत। जितना काम मैंने इसमें करवा रखा है, तुम्हारे से मरा, मैंने इसमें 13 लाख रुपए लगा दिए भाई। 13 लाख रुपए लगा दिए, 13 लाख रुपए में कोई नई गाड़ी आ जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग हैं, आप सब मस्त होंगे, उम्मीद करता हूँ कि घर पे सारे बहुत बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो भाई आज आप सभी को एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूँ भाई, जो फॉरेन कंट्रीज में होती है, कुछ वैसी भाई ने बना दिया है। अभी ये नहीं बताऊंगा कि गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन ऐसा काम हो रखा है भाई, क्या बताऊँ मैं यार, बोल नहीं सकता, शब्द नहीं है। क्योंकि उसमें जो एक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं और उसमें जो बॉडी किट लगी हुई है भाई, वो क्या बताऊँ। फ्रंट से तो लुक ऐसी है UFO भाई, UFO बना रखी है। तो बिना किसी देरी से चलो फटाफट से निकलते हैं। हमारे बन्नी भाई अभी एक बार कुछ काम से गए बाहर, कुछ पीने का मतलब पानी वगैरह लेने, तो इसलिए रुकी हुई है गाड़ी। उसके बाद आप सभी को दिखाते लोकेशन पे चल के क्या रहने वाला है, क्या नहीं आज के व्लॉग में। बस आप सभी यार मिस मत करना, ठीक है। तो चलो फटाफट से निकलते। वे जदों खबरा की आंदा है तेरा ना, खबरा की आंदा है तेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। मेरा अपना ना मेरा कदे होया, कोई सी जी दे पिछे दिल रोया। मेरा अपना ना मेरा कदे होया, कोई सी जी दे पिछे दिल रोया। मर जानिया बे, मर जानिया। सो गाइस, आज जैसे कि बताई थी भाई, आज कुछ यूनिक गाड़ी दिखाने वाले हैं भाई। पहले तो भाई गाड़ी देख ही ली होगी, अब यूनिक ही है भाई ये, देख लो पहले। अब ओनर से मिलते हो, और कैसे हो भैया? बढ़िया हो? बस भाई हम भी बढ़िया भाई। ये मतलब क्या कर दिया ये गाड़ी को भाई? ये इंडिया फर्स्ट बना रखी है मैंने भाई। वो तो भाई गाड़ी की अभी प्रॉपर बात करेंगे, पहले बता दो भैया मॉडल वगैरह क्या रहने वाला गाड़ी? 2019 मॉडल है, हुंडई एक्सेंट गाड़ी है। हाँ जी, हुंडई भाई एक्सेंट गाड़ी है। कोई कह देगा ये वो वाली गाड़ी है भाई? भाई ने कुछ काम ही ऐसा कर दिया है भाई, पूछो मत। तो भाई अब मैं पूछता हूँ भाई, फ्रंट में क्या क्या काम करवा रखा आप, जरा वो बता दो मेरे को। फ्रंट मेरा ये बम्पर स्टॉक है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके नीचे मैंने खाली जो ये काम करवाया, नीचे की पूरी स्केटिंग बनवाई रखी है। हाँ जी हाँ जी। इसके साथ ही भाई इसको मर्ज करके अपना ये बॉडी किट बनाई है, इंडिया फर्स्ट, मैंने वाइट बॉडी किट बनवाई। बिल्कुल भाई, ये ओनली इंडिया वन ही है, अभी कोई है ही नहीं। हुंडई एक्सेंट अभी तक शायद ही मेरे को होगा कोई बंदा जिसने इतनी वाइड हाइपर वाइड करवा रखी हो। सही बात है भाई, देख रहे हो भाई, मतलब फ्रंट से है ना कुछ ऐसी एलियन जैसी सी लग रही है। एलियन से नहीं होता कुछ, UFO जो आपकी वो गाड़ी आती है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसका थोड़ा उसका वो लिया है। ओके ओके। तो भाई वही है, मतलब फ्रंट से जो भाई ने काम कर दिया ना इसमें, वो भाई ओनली ओन इंडिया। और साइड से मतलब हर एक चीज से भाई। और मेन बात भाई, ये मतलब येलो नंबर प्लेट का क्या चक्कर है? हाँ जी हाँ जी। तो पहले क्या आपके पर्पस से मैंने गाड़ी बनवा रखी थी। ओके। उसके बाद फिर मैंने जब ये आफ्टर कोविड मैंने बंद कर दिया, खुद की शॉप खोल ली थी। हाँ जी हाँ जी। तो फिर मैंने इसका काम बंद कर दिया। ओके okay, तो भाई भाई ने देखो सारी चीज बता। येलो है, इसको भी वाइट करवाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये था कि भाई अब येलो नंबर प्लेट में बंदे सोचते थे टैक्सी बन नहीं सकती, ऐसी आपने वो काम कर दिया। मतलब काफी बंदे बनाते हैं पंजाबी गाड़ियां, देख लो। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। वो तो आई भाई, पंजाबी में तो भाई मिलेगी नहीं। सही बात है भाई, भाई यही है शॉकिंग बंदों में, यही तो बात आ जाती है फिर। क्यों भाई सही बात है भाई। तो भाई भाई वही बात है भाई, फ्रंट से भाई। और एक चीज और देख रहा हूँ मैं, ये कलर सा शेड सा मार रहा है, पेंट का गाड़ी रीपेंट है। ओके। मैंने इसमें जो कैमेलियन आता है कलर आता है। हाँ जी हाँ जी। मैंने उस पे व्हाइट में पिंक और ग्रीन मिला रखा है। ओके। ये अलग अलग शेड आते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। यार धूप पड़ेगी तो अलग शेड आएगा, इसका अलग शेड आता है, ऐसे बना रखा है। तो भाई देख सकते हो भाई, देख रहे हो धूप में खड़ी है इस वक्त, आप चेक करो भाई कलर पिंक सा आ रहा होगा ये, देख लो। तो भाई मतलब कैप्शन तो रियल में ज्यादा दिखता है। तो भाई फ्रंट में और हेडलाइट में भी कुछ काम करवा रखा आपने? भाई मेरी पूरी कस्टम है। अच्छा कस्टम है। हाँ, ये मैंने प्रोजेक्टर लैंप लगवा रखी है ऑडी Q7 के। ओके। इसमें रिंग लगी हुई है, रिंग मेरी जलाता नहीं हूँ मैं। इसमें डीमन आया है। हाँ जी। ये DRL है। ओके। और पूरी की पूरी अंदर से मेरी स्मोक करवा रखी है। स्मोक करवा रखी है। ओके। और भाई ऊपर वो UFO वगैरह ये लाइट्स लगी हुई है, वो लाइट के बारे में बातें बताऊंगा उसके। हाँ जी। इससे पहले मैंने जो फ्रंट का मैंने इसमें करवा रखा है। हाँ जी। ये भी फाइबर है। ओके, ये फाइबर है, ये टेप नहीं है, फाइबर है। ओ देख रहे हो गाइस। ओके। हाँ जी हाँ जी, इससे थोड़ा सा लुक बन रहा है। सर्दियों का टाइम था तो फिर मेरे को
येलो थोड़ा वो चाहिए था टेंट उसका लुक। हाँ जी, तो मैंने ये फॉग लैंप ये ऊपर पूरे में येलो येलो लगा। ओके, तो भाई मतलब देख लो भाई फ्रंट से तो भाई जो कहते हैं ना लुक वो दे रही है कि नेक्स्ट लेवल प्यार हो जाए ऐसी गाड़ी भाई। चलो ये एक तरह से सामने से फ्रंट से ग्रैनेटन है। हाँ, जैसे आपकी गाड़ी है ग्रैनेटन जो है। हाँ, ये सामने से ये है। अब हाँ, इसको देखो और इसको देखो कितनी भाई बहुत फर्क है भाई। ऐसी लगती है डाउन इतनी करवा रखी है आपने। तो भाई मैंने इसको सस्पेंशन चलवा रखा है। ओके, तो भाई अब फ्रंट से आपने देख लिया बात है इसकी साइड प्रोफाइल पे भाई जो इसको और आई कैची लुक बना रही है भाई ये देखो भाई क्या लग रही है भाई। कितने इंच के अलॉय व्हील डाल रखे आपने गाड़ी में? इसमें 17 इंची है भाई। 17 इंच के अलॉय व्हील है भाई। 5/40/17 तो भाई देख रहे हो भाई मतलब यार ये गाड़ी ऐसी लग रही है इंडिया की तो लगती नहीं फॉरनर्स होते ना वो मोस्टली बंदे ये बोलते हैं भाई फॉरेन की गाड़ी लग रही है। हां इंडिया की ऐसी गाड़ी है नहीं बिल्कुल बना। सही बात है भाई क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो बना पाते हैं ऐसी गाड़ी नॉर्मल वाइड जितनी बनाते हैं बंदा की स्कर्टिंग लगा दी। हां जी हां जी हां जी, ये मैंने हाइपर वाइड कर रखी है। सही बात है, जितनी चौड़ी हो सके उतनी चौड़ी लगे चौड़ी हो सके भाई। वो आपकी देख रहे हो गाइस पीछे से देखो और आगे से कितनी मतलब खुली खुली सी दिख रही है और साथ के साथ जो डाउन है अभी हम रोड पे आ रहे थे रिएक्शन जो इसके आ रहे थे भाई एंड और धरती पे ऐसे चिपक के चल रही थी कि स्पोर्ट्स कार ही चल रही हो भाई वो फील दे दिया आपने। तो भाई ये देख लो साइड में भी आपने वही कर रखा जो आप बता रहे थे ना बॉडी किट वगैरह। देखो ये भी भाई कलर चेंज वाला है थोड़ा थोड़ा ना गाड़ी गंदी हो रही है ये देखो गाइस आपको दिख रहा होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई ये देख लो भाई साइड से। और भाई अब ये साइड के बारे में अभी इसके बारे में बताओ आप मतलब ये इतना भार क्या मतलब क्या सोच के जो प्रॉपर जो बॉडी होती है ना गाड़ी की। हाँ जी हाँ जी वो होती है ये। हाँ ये ही होती है वो ही है गाइस ये बॉडी देख लो आप ये देखो बॉडी ये मैंने पहले ना चौड़े व्हील लिए थे। हाँ जी हाँ जी ये मेरे यहाँ के नहीं है बाहर से इम्पोर्ट करवाए थे मैंने। अच्छा व्हील भी बाहर से इम्पोर्ट है। ओके ये अराउंड मेरे को 1,25,000 रुपए कुछ के व्हील पड़े थे मेरे को। हाँ जी हाँ जी उसके साथ फिर मैंने इसमें स्पेसर्स लगाए थे प्रोमैन के। ओके इसमें 2 इंच के स्पेसर्स लगे ताकि 2 इंच और गाड़ी के टायर वाइड हो। ओके बाहर होने के बाद फिर मैंने बॉडी कटवाई है इसकी पूरी। हाँ जी हाँ जी बॉडी कटवाने के बाद मैं जितनी गाड़ी डाउन जा सकती है उतनी डाउन मैंने करी है उसके बाद फिर मैंने बॉडी की बनवाई। चलो भाई भाई देख लो काफी कस्टमर्स ऐसे हैं जो मेरे को बोलते हैं कि भैया मुझे आपकी ऐसी गाड़ी बनवानी मेरा खुद का बॉडी वेज का काम है। हाँ तो काफी बंदे बोलते हैं मैं तो सबसे पहले उनको मतलब यही बोलता हूँ कि भाई पहले अपना टायर साइज बड़ा करके आओ उसके हिसाब से बॉडी किट बनेगी। सही बात है भाई तो भाई मतलब वही है ना भाई फाइबर है। हाँ ये रहा ये पेट्रोल टैंक जितना नॉर्मल होता है नॉर्मल उतना ही समझ लो इतना हिस्सा हमारा जो है वो बॉडी का अलग से बना हुआ अलग से बना हुआ। तो भाई वही है देखो पहले तो आप भाई दो उंगली भी मेरी ढंग से नहीं जा रही है देख लो ये टायर बिल्कुल अंदर चले जाता है। हाँ वही तो गाई ये देख लो। हाँ जी हाँ जी ये देख लो भाई मतलब पूरी डाउन है भाई गाड़ी भाई देख लो साइड से पहले लुक चेक करो आप ये देखो भाई क्या एंड लग रही है। अब आते हैं इसकी बैक प्रोफाइल पे भाई बैक प्रोफाइल चेक करो पहले तो बस बैक से देखो भाई और आई कैची लुक दे रही है इसको जो साइड से दिख रहे हैं ना ये चीज़ें और आई कैची लुक दे रही है। तो भाई अब बैक में बताओ बैक में एक तो ये हो गया अपना भाई डक्टेल बनवाई थी मैंने लोग स्पॉइलर लगाते हैं। हाँ जी मैंने डक्टेल बनवाई थी। अच्छा ताकि ये प्रॉपर फिक्स रहे। हाँ जी हाँ जी इसी के साथ ही मैंने मर्ज करवा रखा ये देखो ये लगे ना कि अलग से लगवा रखा। ओके भाई देख रहे हो मतलब भाई भाई क्या आइडियाज भाई मतलब एंड ही कर दिया भाई ने काम मतलब कैसी बनाओ ना जो बंदे तुमको देख के अप्रिशिएट करेंगे और बंदा पूछे बंदा तुझे कब है कहां से लगवा रहा है। बस बिल्कुल सही बात है भाई ये भाई की। तो भाई यही है और ये देखो ये नीचे भी भाई प्रॉपर बॉडी किट का जो बता रहे भैया कार्बन फाइबर वो कौन सा भैया डिफ्यूजर हाँ ये वही वाला भाई चेक करो। और साथ के साथ भाई ये एग्जॉस्ट जो लगे चारों वर्क है नहीं भाई वो वाला राइट वाला वर्किंग है। हाँ इधर वाला वर्किंग नहीं है मतलब ये फेक है। हाँ ये वाला मैंने करवाने के सोचा था। हाँ जी हाँ जी लेकिन मेन चीज क्या है ना इसके नीचे वो पेट्रोल टैंक आता है। हाँ जी हाँ जी तो पेट्रोल टैंक के यहाँ से अगर आप सीधा लोगे तो फिर उसका वाई पाइप बनाना पड़ता है। ओके तो वाई पाइप ना बनने के बाद ना इसका स्ट्रेट पाइप वहाँ से सोचा ना इधर से इधर ज्वाइंट हो जाए। हाँ हाँ ताकि वो पाइप दोनों को थोड़ा वर्किंग हो जाए। ओके इसके लिए मैंने कस्टम बनवा बनवाने के लिए भेजा हुआ है अब वो वहाँ से साइलेंसर हाउस से बन के आएगा उसके बाद ही तैयार हो पाएगा इसका। ओके तो भाई वो भी आप सभी को वीडियो दिखा देंगे। तो भैया अब एक बार इसका एग्जॉस्ट ऑन करके दिखाओ आवाज़ सुनाते हैं। एग्जॉस्ट भाई धीरे करता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोट है। हाँ जी भाई चेक करो भाई देखो सामने कोट है तो भाई रैप थोड़ा कम ही कर पाएंगे सामने पुलिस वाले भी दिखी रहे होंगे आपको। लास्ट ले सकते हैं एग्जॉस्ट भाई काम करेंगे कहीं और चल के एग्जॉस्ट की आवाज़ सुना देंगे आप ज्वाइंट कर देंगे तो गाइस वो अभी कहीं और लोकेशन पे चल गए हम वो ज्वाइन कर देंगे ठीक है। तो भाई बाहर से मेजर इतना ही काम है। हाँ बाकी ये जो मैंने इसके ऊपर रूफ टॉप लगा रखा था। हाँ जी हाँ जी
कैरियर था पूरा का पूरा बक्सा टाइप का, उसकी फोटो मैं आपको भेज दूंगा। ओके आप डाल देना, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आइडिया सही बात है। तो रूफ टॉप लगा हुआ था उसके ऊपर, रूफ टॉप हाँ लगा हुआ था। आपकी रील्स बहुत वायरल हुई है भैया, मैंने देखी है भैया। हाँ जी वो हटा के फिर नहीं भैया, एक बात बताऊँ, उससे और बस लुक आ रही थी आपकी गाड़ी, लुक तो आ रही थी, लेकिन मेरे को पता क्या एक्चुअली क्या है, ये जो गैप आ रहा है ना। हाँ जी हाँ जी, ये गैप नहीं पसंद। ओके ये चाहिए था मेरे को, प्रॉपर ऐसा लगे रूफ टॉप इसी के साथ ही बिल्ड होके आया। ओके ओके ओके, तो वो थोड़ी लुक अच्छी और अच्छी आती है। हाँ भाई सही बात है भाई। अब जा एक बार इंटीरियर में चलने से पहले एक चीज और दिखा दे आपको भाई, ये ऑन करना आपको भाई, एक चीज और दिखाते हैं भाई। अब देखना आप डिग्गी ऑन होने के बाद, ये देखो भाई, चेक करो भाई ने मतलब यार बुफर भी नहीं छोड़ा, येलो में है भाई। जब पूरी गाड़ी येलो में कर रखी है तो फिर बुफर भी कस्टमाइज पेटी बनवाई थी। अच्छा पेटी भी कस्टमाइज आती है। ओके हाँ जी हाँ जी, इसकी वजह से प्रॉपरली अच्छी से लुक आए, लुक आए। पहले इसमें 5000 वोट आरएमएस का बूफर लगा हुआ था। हाँ जी हाँ जी, मतलब 2500 आरएमएस के दो बूफर लगे हुए थे। अब कितना आरएमएस भैया? ये 1200 आरएमएस है। 1200 आरएमएस सिंगल है, बहुत इनफ है भाई मेरे लिए। चलो 2500 आरएमएस तो मतलब ये समझ लो किसी को टॉर्चर करना हो ना तो वो गाड़ी में बैठा दो उसको, बंदा पाक खुद ही टॉर्चर हो जाएगा। ओके मैंने ये लगाया, सिंपल है, बहुत अच्छा है। चलो गाइज बाकी अंदर चलते हैं, अंदर चल के आप सभी को बताते हैं। और भाई देख लो पूरे येलो येलो हो रहे हैं भाई, हैं गाड़ी से रिलेटिव पूरे है ना। तो भाई चलते हैं इंटीरियर में, आप सभी को इंटीरियर दिखाते हैं भाई। आ जाओ भाई, भाई इंटीरियर देखो पहले तो भाई, ये चेक करो भाई, भाई मतलब इंटीरियर भी आपने येलो कर रखा है भाई। इंटीरियर भाई मैंने ये जो कलर था हाँ बहुत यूनिक कलर मेरे को पसंद आया था। हाँ जी, क्योंकि आप जानते होंगे बहुत ये है कि बहुत फेमस हुए थे उस टाइम पे जब मैंने इंटीरियर चूज किया था, ईशान चौधरी। हाँ हाँ हाँ, ईशान चौधरी भैया का जो इंटीरियर था हाँ जी, उससे मैचिंग मैंने थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन लिया था। ओके ओके, ये जो एक्चुअल में कलर है ये फ्लोरोसेंट येलो है। ओके भाई ये देखो जो भैया बता रहे हैं, देख लो भाई, भाई देख रहे हो भाई मतलब इंटीरियर में भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, देख लो हर जगह से भाई इंटीरियर है। और सीट कवर भी चेंज भैया ने, सीट कवर सबसे पहले काम करवाया था भाई, सीट में अभी तो चल रहे हैं। अच्छा ओके ओके, अभी सीट कवर सीट दोनों चेंज कराऊंगा, इसके दोनों की स्पोर्ट्स सीट बनवाने के लिए दे रखी है। ओके और भाई स्टीयरिंग भी देख लो भाई, स्टीयरिंग भी डिप है जो है ये पहले खाली था। हाँ जी, और इसमें मैंने ये पूरा वर्किंग करवाया। ओके ओके, क्योंकि ये भी साथ में लिया था मैंने। हाँ जी हाँ जी, ये पूरा मैंने ये पैनल लिया था पूरा बनाने का इसका। तो भाई और ये देख लो सारा मतलब इंटीरियर काम ओके हो रहा है, और साथ के साथ रूफ भी अपनी वेलवेट है ना भैया। हाँ, ये देख लो भाई, देखो गाइस ये वेलवेट रूफ है, आपको दिख रही होगी गाइस, ये देख लो मतलब भाई काम ऐसा कर दिया भाई ने, भाई जो बंदा जितना लगा सकता था ना भाई ने उतना काम इसमें कर दिया भाई ना, वो चीज नहीं करवा रखी जैसे कई लोग करवाते हैं ना कि एकदम चटक कलर करवा दिया। हाँ 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 जी हाँ जी, मैंने वो नहीं करवा रखा, मैंने अपनी पसंद के हिसाब से और लोगों को मतलब थोड़ा अट्रैक्ट लुक लगे। हाँ जी हाँ जी, तो उस हिसाब से मैंने अपना कलर मैचिंग करवाया। बिल्कुल भाई वही चीज होनी चाहिए भाई गाड़ी में, मतलब ना कोई ऐसा काम ओवर ना कुछ वैसा भाई, ऐसा काम है बंदे देखते हैं कि कुछ है भाई। जैसे मैंने पहले कैब में चलता था। हाँ जी, फिर मैंने कैब के पर्पज से लिखवाया था। ओके, मंगवाया था मैंने ऑनलाइन। हाँ जी हाँ जी, अब मेरे को जैसे मैं पता नहीं चलता, मैंने उसको गाड़ी को अपने डेमो कार बना रखी है। बिल्कुल, तो मैंने उसी हिसाब से ही सेटअप कर रखा है अपने सारा का भाई, कि गाड़ी के अंदर कोई बैठे तो बंदा को ओवर ना लगे। ओवर ना लगे सही बात है भाई। तो भाई और म्यूजिक सिस्टम की बात करो, म्यूजिक सिस्टम में आपने क्या क्या करवा रखा भाई, पहले बता। म्यूजिक सिस्टम में मैंने बहुत मतलब डिसेंट साउंड वाला बना रखा है। हाँ जी, मतलब अपने टेस्टफुली बनवा रखा है मैंने साउंड। हाँ जी हाँ जी, उसमें क्या है कि ऐसे मान लो मेरे को अगर फैमिली के साथ जाना है। हाँ जी, तो उसका साउंड अलग है। हाँ जी, और अगर दोस्तदारी से जाना तो उनका साउंड अलग है, अगर शो ऑफ करना होता तो उसका साउंड अलग है। साउंड अलग है सही बात है, मैंने प्रॉपर हर तरीके से बना रखा है। इसमें जो मैंने सेटअप ले रखा है, हाँ जी, ये पायनियर का 700 नंबर होता है, 709 BT। हाँ जी हाँ जी, ये 709 BT मैंने ये उसका हेड यूनिट है। हाँ जी, 4 मिड लगा रखे है मैंने। ओके, इसमें और मिड के साथ साथ मैंने 4 बुलेट लगा रखे हैं। 4 बुलेट ट्यूटर्स भाई, ये देख लो MTX के और पीछे वाले रडार ऑडियो के, ये देख लो भाई पीछे भी भाई, ये दिख रहे होंगे आप सभी को। और भाई ये क्या चीज है, ये चीज मैं देख रहा हूँ कुछ, ये भाई इसका वो दिखा रहा टेम्परेचर आपका कार का, आपका कितना टेम्परेचर है, तो गाइड चेक करो भाई, ये देख रहे हो। और ये वाला बैटरी का दिखाता है। अच्छा ये बैटरी का दिखाता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर बैटरी नहीं है, वो भी बैटरी दिखाऊंगा मैं आपको। ओके ओके, तो भाई देख रहे होगा इस मतलब भाई ऐसा काम कर रखा भाई ने, एक नंबर दिल खुश होने वाला। ये भाई मेरा जो काम है ना वो ऐसा है कि मतलब मैं औरों को भी करवा के दे सकता हूँ, मेरा प्रॉपर काम डेमो का, गाड़ी मैंने डेमो कार बना रखी है। हाँ जी हाँ जी, तो और कस्टमर मेरे को इससे मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, रास्ते में कहीं जाता हूँ तो बंदे को बोल मिलते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि भैया मेरा खुद का काम है, अप्रिशिएट करते हैं, काम भी आता है चीज का। हाँ जी सही बात है भाई। तो भाई म्यूजिक सिस्टम में तो बूफर भी बता दिया, बीएनएस सारी चीज बता दिया, तो भाई अब म्यूजिक सिस्टम सुना दिया जाए। हाँ, तो चलो भाई अपना आप सॉन्ग प्ले कर देते हैं, और सॉन्ग सुनना भाई मजा आ जाएगा सीरियसली भाई, जो काम हो रखा है। और फिर लास्ट में भाई से खर्चा पूछेंगे, खर्चा तो भाई ऐसा हो रहा होगा इसमें मैं क्या बताऊं। तो चलो भैया अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं। सॉन्ग प्ले करने से पहले भैया ये क्या चीज है यार, ये मतलब ये भाई
बहुत पुरानी चीज है। हाँ जी हाँ जी, ये काफी बंदों ने मतलब इसको इसकी वीडियो बना रखी है। हाँ जी, ये लीवर आता प्रॉपर था छोटा सा। हाँ जी हाँ जी, लेकिन मैंने ये काफी बड़ा कर रखा है। हाँ जी हाँ जी, तब मैंने लगाया था। ओके भाई, लड़कियाँ बहुत दीवानी है चीज की। अच्छा, सीरियसली बहुत दीवानी है। लो भाई, भाई ने कह दिया लड़कियां इसकी बहुत दीवानी है सीरियसली। तो भाई भाई भी भाई फुल बढ़िया, हमारे बढ़िया हंसी मजाक किया वाले है। तो भाई अब अपना सॉन्ग प्ले कर दो, अब सॉन्ग सुना देते हैं भाई, सॉन्ग सुनना अब। हम लोग जो है, मेरा जो पर्सनली काम जो है वो इंडियन बूफर्स का ज्यादा प्रमोट करने का ही है। ओके, मैं पाइनियर रॉकफोर्ड डीडी और जो सनडाउन वनडाउन जो होते हैं उनको ज्यादा प्रमोट नहीं करता। भैया इतने पैसे में आपको इंडियन ब्रांड मिल जाता है, सही बात है। उससे वही चीज परफॉर्म करनी है और उससे सस्ता होता है। आप एक मान के चलो, आपको डीडी का बूफर अगर आप ले हो गए, अगर अच्छा से अच्छा बंदा 500 से खरीदा लेता है, हमारे से हमारा 20-25 हज़ार रुपए का बूफर आएगा। सही बात है। और यही बूफर हम लोग अपना अपना 12-13 हज़ार रुपए में बेचते हैं, क्या बुरा भाई, उससे अच्छा साउंड है। क्या साउंड भाई, बहुत बढ़िया साउंड आ रहा भाई, सीरियसली भाई। जैसे जैसे भाई गाना चलता रहा भाई, आवाज मैं कह रहा हूँ एक नंबर स्वाद आ गया भाई गाना सुनते ही। तो अब मैं इसमें अगर आपको लो चलाऊं, अच्छा लो बेस, तो गाइस अब लो बेस सुनना लो भाई, तो उससे आपको प्रॉपर आईडिया लग जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके का साउंड में कहना चाहिए। ये बी अनोन को पीराईटी चला रहे ना। हाँ। तो भाई सुनना भाई, अब लो बेस सुनना भाई, आपने पंजाबी में तो सुन लिया, अब गाइस लो बेस सुनना भाई, क्या लो बेस में कैसा साउंड आने वाला है। इसमें भी भाई कान सुन कर दिया आपने भाई मेरे यार। भाई वो है ना, मैं व्लॉग खत्म करने के बाद एक शॉर्ट्स बनाऊंगा जो शॉर्ट्स में डाल सकूं, उसमें दिखाऊंगा इंस्टा पे और यूट्यूब पे, दोनों पे देखना। अभी भाई व्लॉग में पहले बात कर लेते हैं। तो भैया म्यूजिक सिस्टम में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सही सीरियसली बताओ भाई, मेरे को मजा आ गया भाई। अभी जो सिस्टम इस पे लगा हुआ है, हाँ जी, वो अराउंड मेरा 80 के अराउंड लगा हुआ है, 80,000 रुपए। हाँ ओके, उसमें मैं आपको बताता हूँ 80,000 रुपए क्या है। मतलब 80 से मेरे ख्याल से मान के चलो कि दो पेटी का मान के चलो, दो पेटी का, क्योंकि मैं डेढ़ पेटी का तो मेरा अपना लिथियम लगा हुआ इसमें, मेरी नॉर्मल स्टॉक बैटरी नहीं है। हाँ जी, लिथियम बैटरी है। ओके, और ये जो सिस्टम जो लगा हुआ इतने इतने का, ये मान के चलो आपका 40-50 हज़ार रुपए का सिस्टम है। ओके, जो मैंने अभी फिलहाल लगा रखा, मजा आ गया इतने सिस्टम में भी भाई। इनफ होता है भाई, बंदे लाख लाख रुपए का सिस्टम लगाते हैं, कुछ भी साउंड नहीं मिलता। सही बात है। मेरा जो साउंड है इसके अंदर, वो मैंने प्रॉपर उसके हिसाब से बना रखा है। मुझे मान लो मेरी मम्मी बैठती है कभी, फैमिली में कोई और बैठता है तो उनको ज्यादा बेस पसंद नहीं बेस होता, हाँ। तो प्रॉपर लोकल चलता है उसमें, और वोकल भी बहुत क्लियर है भाई। सही हुआ था, आवाज और वोकल ओके आ रही है भाई।
अब मैं बात करूं भाई पूरी ओवरऑल गाड़ी में कितना पैसा खर्च गया उसकी तो मेरे को पता है कोई वो नहीं होगी भाई कितना पैसा लगा। मैंने गाड़ी अभी तक ली है और जितना काम मैंने इसमें करवा रखा है तुम्हारे से मरा मैंने इसमें 13 लाख रुपए लगा दिए भाई। 13 लाख रुपए लगा दिए, 13 लाख रुपए में कोई नई गाड़ी आ जाती कौन सी आ रही है अभी ये मारुति? ये 9 गाड़ी से हट के बता रहा हूँ गाड़ी के साथ में 9 लाख रुपए की गाड़ी 13 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन भाई 13 लाख रुपए में भाई थार आ जाएगी 14-15 लाख की 4x4 4x2 जो भी नहीं आ रही है नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ इतने जितने हमने पैसे लगा दिए गाड़ी में उतने में एक थार आ जाएगी 2 लाख रुपए और लगा के भाई 15-14 लाख की तो आ ही रही है। बताओ ना भाई अगर मेरे पे थार होती है अभी हाँ जी तो सोचो क्या ही बिल्ड होती है भाई। यार ये बात सही है भाई ने भाई ये जब इस गाड़ी को भाई ने ऐसा कर दिया यार भाई देख लो 13 लाख रुपए भाई ये होते हैं शो ये वीडियो पहुंचाओ भाई केरला तक भी भाई क्यों भाई पहुंची हुई है अच्छा पहुंची हुई ये है ये ऑल ओवर इंडिया में वीडियो मेरी पहुंची हुई है भाई मैं भी बहुत जगह जगह से बंदों का फोन आते हैं हाँ जी कभी मेरे को केरला से फोन आ रहा है कभी तेलंगाना से फोन आ तेलंगाना से तो मेरे पे गाड़ी भी आ रखी है ओके। काम होने के लिए प्रॉपर मैंने सेटअप बना के दिया है उनको प्रॉपर काम करके दिया है तो भाई ऐसा ही होना चाहिए भाई। अब आप सभी इस वीडियो पे जितना हो सके प्यार दिखा दो भाई भाई को जाके सपोर्ट करो भाई की शॉप है भाई की शॉप पे जाके विजिट करो क्यों भैया अपनी शॉप का नाम बता दो भैया भाई सैक्रो माफिया के नाम पे मेरा यूट्यूब चैनल है इंस्टा भी मेरा सेम है शॉप भी मेरी सेम है गूगल पे आप सैक्रो माफिया कार से डालोगे प्रॉपर लोकेशन आपको मिल जाएगी प्रॉपर आपको जो भी आपका बजट है उस हिसाब से अगर आप मुझे व्हाट्सएप करो व्हाट्सएप नंबर मेरा सेम ही है तो भाई देख लिया जब भाई ने अपनी गाड़ी ऐसी बना रखी है आप सबकी भी भाई भाई कोशिश करेंगे बढ़िया ही भाई कोशिश नहीं हमारे पूरा यही रहता है कि भाई कस्टमर हमारे यहाँ से सेटिस्फाई हो गए बिल्कुल भाई सही बात है। तो भाई आप सभी ने गाड़ी देख ली प्यार दिखा देना तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना चाहिए भैया बता दो भाई चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी करो बहुत बड़े बड़े व्लॉग आने वाले वीडियो को शेयर करो ताकि और बंदों को पता चल सके जा सके मॉडिफिकेशन जो होती है इस लेवल तक भी इंडिया में हो सकती है भाई सही बात है। तो भाई आप सभी को गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और सब में बढ़िया पार्ट क्या लगा गाड़ी में वो भी कमेंट करके बताना। तो चलो जल्दी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।